दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी शुक्रवार को एक अहम फैसला लिया है। केजरीवाल ने राज्य में 5 नवंबर यानी शनिवार से प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र को विशेष कदम उठाने की जरूरत है। दोषारोपण और राजनीति का यह उचित समय नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इसमें उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण उत्तर भारत की समस्या है, इसके लिए आप दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है, अभी दोषारोपण का समय नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रदूषण रोधी उपायों पर कहा कि दिल्ली में प्राथमिक स्कूल शनिवार से बंद रहेंगे, ऑड इवन योजना लागू करने पर बातचीत जारी है। हम स्कूलों में 5वीं से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों की खुले में खेल गतिविधियों को बंद कर रहे हैं। पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्रियों की संयुक्त बैठक व विशेषज्ञों की राय जरूरी है। पराली जलाने के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण पर केंद्र को फैसले लेने की जरूरत है, एक दूसरे पर उंगली उठाना समाधान नहीं है। पंजाब में पराली जलाते हैं लेकिन इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पूरी दुनिया की बात करें तो हवा के खराब गुणवत्ता वाले देशों में भारत टॉप पर है। यहाँ औसत AQI है 500 के ऊपर। सबसे प्रदूषित टॉप शहरों में भारत के 4 शहर शामिल है। इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार हानिकारक स्तर से ऊपर है। जहां दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI 500 से 700 के बीच है, तो वहीं नोएडा में इस वक्त AQI 519, फरीदाबाद में 515 और गाजियाबाद में 493 पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में अधिकतर उत्तर भारत के हैं। विश्लेषण के मुताबिक दिवाली के खत्म होने और सर्दियों की शुरुआत के बीच उत्तर भारत में यह दौर आता है जब दिल्ली और NCR के आसपास हवा लगातार प्रदूषित होती है। उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से घिरे होने की वजह से उत्तर भारत का एक बड़ा क्षेत्र सर्दियों की शुरुआत में ही चंबक की तरह काम करता है। हालांकि यह दौर ज्यादा लंबा नहीं खींचता, जिसकी वजह से NCR क्षेत्र में औसत स्तर पर वायु गुणवत्ता सामान्य के करीब रहती है। ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, चरखी दादरी, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव, बहादुरगढ़, जींद, मानेसर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और राजस्थान में भिवाड़ी, इन सभी शहरों में हवा सीवियर कैटेगरी में है। जितनी खराब दिल्ली में उतनी खराब इन सभी शहरों में है। इसके अलावा धारूहेड़ा, कैथल, बल्लभगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, नारनौल, कुरुक्षेत्र, बागपत, मेरठ, कानपुर और बिहार में मोतिहारी, बेतिया, कटिहार, इनमें वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की, और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है।